जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिस्ट्री से नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। इस लेक्चर सीरीज में अभी तक हमने 5 लेक्चर आपके सामने रखे हैं। उसमें हमने कुछ पर्सनालिटीज़, कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात की है। दोस्तों, कुछ व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं कि हम जो ये टर्म्स वगैरह डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये इसके रेफरेंस क्या है, कहाँ से ये टर्म्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब ये सीरीज स्टार्ट हुआ था कि मेरा फोकस जो रहेगा वो रहेगा टेक्स्ट बुक्स पे। टेक्स्ट बुक्स में कई ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको हम स्टूडेंट्स जाने या अनजाने इग्नोर कर देते हैं और हमारे पेपर्स में अक्सर देखने को मिलते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने ये भी प्रूफ करने की कोशिश किया कि किस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टर्म्स से। जब हमने 6-7 अलग अलग क्वेश्चंस 2015 के बाद के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, वहाँ पे हमने ये भी देखा कि क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं एक बार, एक हो सकता है और भी क्वेश्चन रिपीट हुए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नेट या जेआरएफ का जो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हैं, यह आपको किसी नौकरी की गारंटी नहीं देता। ये प्रूव करता है, ये जस्टिफाई करता है कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप, और आपका जो स्टाइल है पढ़ने का या जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं वो इंडियन एकेडमिक सिस्टम जो है उसमें उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट है। तो ये एक बेसिक नेट और जेआरएफ का कॉन्सेप्ट है, आप इसको नौकरी के तर्ज पर ना लें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं और आगे फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई हिस्ट्री में, कि अपनी सफलता से जो लगाव या जुड़ाव है वो ज़्यादा दिन तक नहीं होना चाहिए, वरना सफलता से जब आपको जुड़ाव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जीवन में ठहराव ले आता है। तो हमें हमेशा नए टारगेट सेट करते रहने चाहिए और अपडेट होता रहना चाहिए, डायनेमिज्म जो है वो होना चाहिए। जीवन हमसे सातत्यता मांगता है, निरंतरता मांगता है, लेकिन हम एक फिक्स टारगेट के बाद थोड़े से स्लो हो जाते हैं, कह सकते हैं कि प्रोकास्टिनेशन आ जाता है कि चलो देख लेंगे आगे। इस तरह से ना हो कि अगर हम रेगुलर स्टडी करें तो अपने फील्ड में हम अपनी पकड़ बनाए रख सकते हैं। नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना कोई लास्ट डेस्टिनेशन स्टूडेंट का नहीं होना चाहिए, यह एक पार्ट ऑफ द जर्नी है, इतना ही है। ये जिनका नहीं भी क्वालिफाई हो रहा है वो भी इससे घबराए नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ये काफ़ी क्रूयल है। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपके एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं हो और गट फीलिंग के बेस पे जिसका आप बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता हो एग्ज़ाम में, वहाँ पे अगर लेट सपोज कि 50 कट ऑफ जाता है तो जो 50 स्टूडेंट लाता है वो तो इंटेलिजेंट और वाइज समझा जा सकता है कि अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन जिसके 49 आए वो एक वीक स्टूडेंट ऑब्वियसली हो जाता है। तो यह जबकि उसमें कोई खास डिफरेंस है नहीं, क्योंकि जहाँ पे गट फीलिंग का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो, निगेटिव मार्किंग नहीं है, लोग उसमें एक गेस करके आते हैं कि ये शायद आंसर है, तो ये थोड़ा सा क्रूयल है, क्या कर सकते हो, क्योंकि सप्लाई डिमांड का इशू है कि स्टूडेंट ज़्यादा हैं, सीट्स कम हैं, तो कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। तो हमें उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है आपके लिए, जिसमें कि बीच में देख रहे हैं आपके नेट एंड जेआरएफ लिखा हुआ है। अगर आपको नेट, मैं मानता हूँ, मेरा निजी मत है कि नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो इसके लिए आपको इन 3 चीज़ों के ही इर्द गिर्द रहना है। यही 3 इसके जो हैं वो जो वर्टिसेज हैं उसके जो पैराडिम्स हैं वो यही हैं कि पहला तो आप टॉप पे तो सिलेबस ही हैं, आप सिलेबस को हर हफ्ते कम से कम एक बार पूरा सिलेबस जरूर पढ़ें, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, आप सिलेबस को पढ़ें एक बार। दूसरी बात, जब भी MCQ बनाने की बात आए या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करने की, तो आप सीधा क्वेश्चन बैंक की तरफ जाएँ, क्योंकि दुनिया भर के ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो सारे आपके लिए नहीं बने हैं। तो जो नेट के लिए क्वेश्चन बने हैं वो सबसे अच्छा आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, आपको आइडिया भी चलेगा। एक साल में 2 जनरल नेट का एग्ज़ाम हुआ है तो 200 क्वेश्चन है हर साल के, अगर आपके पास 10 साल का क्वेश्चन होता है तो 2000 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस अगर आप उसको एनालिसिस एक वीक में भी कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत आप सीरियस स्टूडेंट हैं। तो ये आसान काम नहीं है, क्वेश्चन बैंक को ही कवर कर लेना अपने आप में एक चैलेंज है। और जो तीसरी बात है, जब आप कॉन्सेप्ट की और अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो मैं निजी तौर पर मानता हूँ कि टेक्स्ट बुक्स उसके सबसे अच्छे सोल्यूशन है। टेक्स्ट बुक्स के बाहर जाने का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं वैसे। जैसे आपने अगर सेकेंडरी क्लासेस की कर लिए, हायर सेकेंडरी की कर लिए, फिर आप BA का टेक्स्ट बुक्स पढ़िए जो इग्नू से पब्लिश हुआ या किसी दूसरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन स्कूल वाले पब्लिश हुआ, या फिर MA का इग्नू आप पढ़िए, तो आप इस तरह से जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसको अगर आप फोकस करेंगे तो वो
हालांकि ठीक है, लोग रेफरेंस बुक भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग गाइड बुक पढ़ के भी क्वालिफाई करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एक ही तरीका है नेट क्वालिफाई करने का, सभी लोगों के अपने अपने स्टाइल हैं, वो करते हैं, चैलेंज आप नहीं कर सकते उसको। लेकिन मेरा ये निजी मत है कि मैं मानता हूँ कि टेक्स्ट बुक्स अगर आप पढ़ लें तो बाकी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको सहूलियत आसानी होगी उसमें। और दूसरी बात है, जो गाइड बुक्स पढ़ते हैं उससे मैं बेहतर मानता हूँ कि आप कोई स्टैंडर्ड जो बुक है उसको, जो जो राइटिंग स्पेशलाइज्ड किसी ने किया है उसको पढ़ें। गाइड बुक्स जो है वो आपको कॉन्सेप्ट देने में कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा, उसमें डाटा फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और फैक्ट्स जो है वो हिस्ट्री में एग्जाम्पल से ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक एक दो फैक्ट आपको नहीं पता वो चलेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो जो एग्जामिनर है वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। आपको कॉन्सेप्ट पता होना ही चाहिए, डेट और सारा जो इस तरह के फैक्ट्स हैं, डाटा हैं, वो तो जस्ट एग्जाम्पल हैं, वो आप भूल सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है, क्योंकि बहुत वो है। लेकिन आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको भी नहीं भूलेंगे, एक टाइम के बाद आप देखेंगे। इन सब नोट्स के साथ मैं आगे चलता हूँ। एक और छोटी सी बात इसमें रह गई कि कुछ लोग हिस्टोरियोग्राफी से बोल सब्जेक्ट से कहते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं तो उस पर डिस्कस करें, उस पर हमें अलग से काम करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो जो समाज का नज़रिया होता है, या जिस समय का जैसे समाज होता है, जिस तरह की पॉपुलरिटी होती है आइडिया की, उस तरह से ही हिस्ट्री राइटिंग होता है। हिस्ट्री अपने आप में बदलता रहता है, डायनेमिक हिस्ट्री है। तो एक समय था जब मार्क्सवाद का दुनिया पे प्रभाव था, तो भारत में भी मार्क्सवादी इतिहास लिखे गए। लेकिन जब 1991 में USSR कोलैप्स कर गया, उसके बाद कहीं ना कहीं मोह भंग हो गया लोगों का मार्क्सवाद से, और धीरे धीरे अब इतिहास के लेखन में भी उसका प्रभाव नगण्य होता चला गया। ये एक विषय है। अब जैसे देखेंगे कि पर्यावरण के जब विषय हैं, समस्या आए दुनिया में, तो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री लिखा जाने लगा कि इन्वायरमेंट के हिसाब में किस तरह के परिवर्तन आए। बीते दिनों आपने देखा कि रोमिला थापड़ ने अशोका एज एन इन्वायरमेंटलिस्ट सब्जेक्ट पे एक किताब लिख दी कि अशोक एक पर्यावरणविद। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस और डायनामिज्म लेके चलता है हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। आपको इकोनॉमी पता होना चाहिए, आपको आपको ज्योग्राफी का पता होना चाहिए। इवन हिस्टोरियंस तो मानते हैं कि ज्योग्राफी एंड क्रोनोलॉजी इज द टू आईज ऑफ द हिस्ट्री। अगर आपको ज्योग्राफी और क्रोनोलॉजी नहीं पता है तो आप तो एक ब्लाइंड की तरह हिस्ट्री में ऐसे हाथ पैर मार रहे हैं, वो कुछ पता नहीं है हिस्ट्री के बारे में, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। और इस तरह के और भी कई सारे अप्रोच हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, आपको उसके साथ जो उसमें चेंजेस हो रही हैं, जो राइटिंग की चेंजेस हो रही हैं, उसको आपको देखते रहना पड़ेगा। इन सब बातों के साथ हम चलते हैं अपने आज के विषय पे। आज जो हमने डिस्कस करना है, पिछले लेक्चर में हम जब बात कर रहे थे कि कंटेम्प्रेरीज ऑफ अकबर, उसमें कुछ रह गया था तो उसको पहले हम डील करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। इसमें पहला जो आता है कि कंटेम्प्रेरीज ऑफ अकबर पार्ट टू, इसमें शाह अब्बास की बात हम करेंगे। देखिए, जिस समय ऑटोमन एम्पायर में काफ़ी अपने उस पर था, पीक पे था, उस टाइम ही उसके थोड़े दिन बाद, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, शाह अब्बास द ग्रेट बिकेम द हेड ऑफ द सफाविद। सफाविद जो थे वो ईरान में रूल करते थे। ये वही सफाविद थे जिनके पास हुमायूं जब शेर शाह के साथ साथ वो हार गया, तो फिर वो इन्हीं के शरण में गया था। ये जो शाह अब्बास है, इसके दादाजी थे वो शाह तहमास्प, और जो कंधार का रीजन था वो हुमायूं के कब्जे में था, तो उसने उनको गिफ्ट कर दिया, और बदले में शाह तहमास्प ने शेर शाह के खिलाफ हुमायूं को स्ट्रॉन्ग किया और लड़ाई हुई सारा कुछ। 1590 में क्या हुआ कि अकबर ने कंधार को कब्जा कर लिया उनसे, ईरान के लोगों से। अब इस बात से हालांकि एक लड़ाई जंग छिड़नी चाहिए थी, लेकिन शाह अब्बास समझदार था, उसने जंग नहीं किया, क्योंकि अकबर के भी प्रभाव बहुत बढ़े हुए थे, बहुत स्ट्रॉन्ग एम्परर की तरह वो रूल कर रहा था, और काफ़ी बड़ा एरिया उसके कब्जे में था, डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांग था, तो उससे घिरना बहुत मुश्किल था उनके लिए। तो उन्होंने कभी भी उसके साथ जो हार्ड पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, और सॉफ्ट पॉलिसी के माध्यम से कॉर्डियल रिलेशन बना के बाद में 1622 में जहांगीर के टाइम में उसने वापस अपना कब्जा कर लिया कंधार का। तो ये एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि जो कंधार वाला विषय है उसको आप जब सफाविद के और शाह अब्बास के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। जनरली हम भूल जाते हैं कि शाहजहाँ के टाइम में गया, कि जहांगीर के टाइम में गया, तो आप याद रखिए कि पहले था हुमायूं के पास, हुमायूं ने दिया शाह तहमास्प को, तहमास्प का जब सफाविद में शाह अब्बास फर्स्ट आया, जिसको द ग्रेट भी कहते हैं, तो वहाँ से अकबर ने इसको अपने कब्जे में कर लिया। अकबर के गुजरने के बाद जहांगीर के टाइम में जब शाह अब्बास फर्स्ट ही वहाँ का रूलर था, उसने वापस इसको कब्जे में ले लिया। लेकिन कोई इस तरह की हेट्रेड नहीं था दोनों एम्पायर्स के बीच, और ना कोई इनके बीच ऐसी लड़ाई हुई, बहुत ही कॉर्डियली उन्होंने इस बात को डील किया। हालांकि जीता उन्होंने पावर से, मतलब हार्ड पॉलिसी से, लेकिन जो एक एम्बेसडर के लेवल पे या जिस तरह की कोई लड़ाई होती है कि चलो राज्य के बीच लड़ाई छिड़ गया, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। चार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको शो किया है। एक तो सुल्तान मुराद हो रहा था, ये है सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर। यहाँ पे ईरान,
साहब बात कर रहा था रूल, जब यहाँ पे ये और एक बात इसमें आप जोड़ सकते हैं कि जब ओटोमन एम्पायर का जो डीके शुरू हुआ तो वहाँ से ईरान का राइज शुरू हुआ, जब ये गिरना शुरू हुआ तो ये राइज किया इस तरह से। और यहाँ पे वानली एम्पायर था, इसके साथ ही रशिया में जार फर्स्ट जिसको कहते हैं कि जो जो जार द टेरिबल था उसका रूल है, वो एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी था, वैसे था तो इंटेलिजेंट बट वो ज़्यादा बैलेंस माइंड का नहीं था, तो वो कई बार बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट करता था लोगों के बीच। ठीक है, इसके साथ ही हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, आज का जो विषय हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक हमने विषय लिया है इंद्रप्रस्थ, इसको खंडवप्रस्थ भी कहते हैं। ये बेसिकली एक एंशियंट सिटी है माना जाता है कई सारे ग्रंथ में, खासकर महाभारत में इसका जिक्र है, जिसमें इसे माना गया है कि ये यमुना नदी के तट पर स्थित है और ये कुरु कुरु राज्य का जो है वो उनकी राजधानी थी या उनका कैपिटल था, कैपिटल था या फिर कोई और सिटी था, जैसे उनका कैपिटल कई बार कुरुक्षेत्र भी माना जाता है, कई बार हस्तिनापुर भी माना जाता है। ये सारे जो रीजन है वो आज के दिल्ली के आसपास के हमें रीजन में मिलते हैं। कुरु का कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो भरत और पुरु के मिलने से। ये कैपिटल ऑफ पांडवाज है महाभारत के हिसाब से। इसके और भी नाम हैं जो इंद्रपेट, इंद्रपेट हमें देखने को मिलता है, और इंद्रपेट जो है वो अभी हाल तक 20th सेंचुरी में यूज होता था जो पुराना किला का रीजन है उसके लिए। दिल्ली में पुराना किला है जिसे माना जाता है कि शेरशाह सूरी हुमायूं वगैरह के समय में इसके जो अलग अलग पार्ट हैं उनका निर्माण हुआ था, बट ये वर्ड यूज होता था। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें इंद्रपट या इंद्रपट्टा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी है, टॉलेमी ने भी अपने ज्योग्राफी में इसका जिक्र किया है। तो यानी कि ये इस्टेब्लिश है कि ये एक सिटी था, एक पॉपुलर सिटी था और ये ऑन द बैंक ऑफ यमुना था। अब ये एग्जैक्टली जो आज का पुराना किला है वही था कि नहीं, इस पर विवाद है, क्योंकि आर्कियोलॉजी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है अभी तक इस पर। हालांकि एक्सकेवेशन रहते हैं उन्हें, अभी बहुत सारे एक्सकेवेशन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए इंडिया में, तो ये एक विषय है। इसके साथ ही मैंने आपके साथ कुछ और सब्जेक्ट्स ऐसे जोड़ने चाहे, कॉन्सेप्ट जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं एज ए स्टूडेंट, जब हम उसको पढ़ते हैं तो पहली बार तो हम उसको ध्यान नहीं देते कि इसमें डिफरेंस भी है, लेकिन जब दोबारा देखते हैं तो हम थोड़े कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। तो वो जो है टर्म्स इस तरह से हैं कि आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी कौन कौन से, ये पाँच मैंने आपके सामने रखे हैं टर्मिनोलॉजी, इसमें डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे। ये जो फोर्ट, फोर्ट्रेस, गैरिसन, पैलेस एंड कैसल, किला, गढ़, दुर्ग या छावनी, महल या हवेली, प्रसाद, प्रसाद, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए किला जो है, किला जो है ये परमानेंट फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर है इन ए स्मॉल एरिया हो गया, एरिया एक्सक्लूसिवली फॉर आर्मी। फोर्ट जो बनाया जाता था वो आर्मी के लिए बनाया जाता था और वो छोटा सा होता था। जो फोर्ट्रेस है वो उसको गढ़ कहते हैं, वो एरिया में काफ़ी बड़ा होता था और उसके अंदर में रेसिडेंस हैं, महल है, शहर होते थे। और ये टर्म जो है फोर्ट्रेस जो है कई बार मेटाफोरिकल भी यूज होता है। ठीक है, तो जो फोर्ट्रेस है वो भी अपने आप में एक फोर्ट है, लेकिन फोर्ट जो है वो फोर्ट्रेस नहीं है। जो गढ़ है, गढ़ में किला हो सकता है, लेकिन किला में गढ़ हो जरूरी नहीं है, क्योंकि किला जो है वो पर्टिकुलरली आर्मी के लिए बना है, जबकि गढ़ जो है वहाँ पे लोग भी रहते हैं। वो ये दोनों जो है फोर्टिफाइड सिटी है, ये तो आप समझ रहे होंगे कि इनके बाहर से एक बाउंड्री है और उसके अंदर में ये है। तो एक जो एक फोर्ट है वहाँ पे आर्मी के लोग रहते हैं, वो पोस्ट है उनका, वहाँ से वो लड़ाई की तैयारियाँ करते हैं, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था रखते हैं। फोर्ट्रेस जो है वहाँ पे रेजिडेंस भी है, ऑफिसेज हैं, मार्केट है, सारा कुछ है। तो इंडिया में जनरली मिलते हैं वो सारे फोर्ट्रेस हैं, फोर्ट कम है, आप भले उनको फोर्ट बोलते हैं बट वो फोर्ट नहीं, वो फोर्ट्रेस है। जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल फोर्ट्रेस के मिलते हैं वो धोलावीरा है, कालीबंगा है, हरप्पा है, रेड फोर्ट है, वो भी एक फोर्ट्रेस है, उसके अंदर बहुत सारे पैलेसेज और इस तरह के हैं। आमेर फोर्ट है जो जयपुर में, वो भी एक फोर्ट्रेस है बेसिकली। तो आप इस चीज़ को, जब किला और गढ़ को अगली बार आप देखेंगे ये फोर्ट है या फोर्ट्रेस, तो उसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। यहीं पर एक तीसरा टर्म आता है, दुर्ग या छावनी। अब ये क्या है, दुर्ग या छावनी जो है ये भी आर्मी के लिए है, यहाँ पे जनरल पब्लिक नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे इनका ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे इनका वर्कशॉप है, यहाँ पे इनका इन्वेंट्री है, इस तरह की सारी व्यवस्था यहाँ पे है। तो ये तीन जो आपको टर्म मिले ये आर्मी बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे आर्मी का प्रभाव है, यहाँ पे तो कंप्लीट आर्मी, यहाँ पे आर्मी प्लस इट्स वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग सेंटर, एंड दिस इज फॉर आर्मी एज वेल एज फॉर द लोकल पीपल लाइक द ऑफिसियल्स एंड बिजनेसमैन सो ऑन। बट ये जो नीचे दो हैं टर्म, ये हुआ क्या कि टाइम के साथ ये दो वर्ड अलग अलग डिस्प्ले हुए। जो पैलेस वर्ड है वो आप देखेंगे कि पैलेस महल के लिए यूज होता है, ऐसा रेसिडेंशियल एरिया जिसके जिसके आसपास कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, खुला हुआ है चारों तरफ से, जैसे मैसूर पैलेस है, कूच विहार पैलेस है, वो हवादार है और काफ़ी कंफर्ट जोन में बना हुआ है, क्योंकि कैसल जो है वो फोर्टिफाइड रेसिडेंस ऑफ नॉबल्स है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे जैसे जो हड़प्पा का है या जो कालीबंगा है वो काइंड ऑफ कैसल भी है, उसमें नॉबल लोग रहते थे और फोर्टिफाइड है, लोथल भी फोर्टिफाइड है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये सारा डिफरेंस है इसमें। अगली बार जब आप गैरिसन कहीं पे लिखा देखें, या गैरिसन वर्ड आज भी यूज होता है आर्मी के कैंट के एरिया में, गैरिसन वर्ड तो आज भी, गैरिसन इंजीनियर भी होते हैं जी,
और फोर्ट्रेस है, फोर्ट है, पैलेस, कैसल, इस तरह के जब वर्ड आप देखते हैं तो इनमें पर्टिकुलर डिफरेंस होना है। तो इसको अगर आप एग्जांपल्स के साथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है। जैसे दिल्ली में एक लडलो कैसल है, तो हालांकि इसके बाउंड्री नहीं है लेकिन इसको कैसल माना जाता है। जो पैलेस और कैसल में डिफरेंस है वो फोर्टिफिकेशन का डिफरेंस है, कि जब पैलेस को फोर्टिफाई कर दिया गया तो वो मतलब उसके बाउंड्री कर दिया गया, चारों तरफ से चार दीवारी खींच दी गई तो वो कैसल हो गया। और फोर्ट में सिर्फ आर्मी पोस्ट है जहाँ पे आर्मी सुरक्षा के लिए खड़ी है। एक और बात, ये जो फोर्ट्रेस है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक ऐसा एरिया होता है, एक तो ये काफ़ी हाइट पे नहीं होता है, इसको सिटाडेल भी कह सकते हैं आप, जो सिटाडेल कहते हैं आप। तो सिटाडेल जो है ये हाइट इतना नहीं होता, ये थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर होता है। और क्या दूसरी इसकी खासियत क्या होती है कि ये एक ऐसा एरिया होता है कि अगर इस एरिया पे किसी ने कब्जा कर लिया तो उस किंगडम पे या उस राज्य पे कब्जा करना बहुत आसान हो जाता था। ठीक है, तो फोर्ट्रेस सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया होता था। आप जब भी देखेंगे कि किसी ने कुछ बिल्ड किया तो वो फोर्ट्रेस बिल्ड करता था और उसकी बाउंड्री बहुत ही स्ट्रांग बाउंड्री का निर्माण होता था। पूरे सल्तनत पीरियड में मंगोल का डर था तो जो भी वहाँ पे स्ट्रांग किंग बना उसने एक नए फोर्ट्रेस का निर्माण किया, जो ज़्यादातर तो साउथ दिल्ली में है बट कुछ नॉर्थ दिल्ली में है। तुगलकाबाद फोर्ट बना, जहाँ बना बना सीरी फोर्ट बना। सीरी फोर्ट हालांकि आर्मी के लिए स्पेशलाइज था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अलग अलग कुछ और टर्मिनोलॉजी हम लेते हैं आगे। ये देखिए, टोम्ब, मकबरा, मॉन्यूमेंट, स्मारक, मसोलियम, समाधि या सेनोटैफ। ये क्या है? जो टोम है वो स्मॉल बिल्डिंग फॉर द रिमेंस एंड बॉडी होता है। जैसे आप देखते हैं कि बुद्धिज्म में स्तूप है, स्तूप का कंसेप्ट है कि रिमेंस का, क्योंकि वहाँ पे तो जलाने की प्रथा है तो जला देते हैं तो फिर सिर्फ रिमेंस ही बचता है, बड़ियल की तो कोई बात ही नहीं है। तो उस तरह का है ये, और ये छोटा होता है साइज में। और जैसे हुमायूं टॉम्ब है, बीबी का मकबरा है, ताजमहल है, दरगाह है। दरगाह क्या होता है? जहाँ पे जो सूफीज थे उनके जहाँ पे टॉम्ब मकबरा है उनको दरगाह कहते हैं। तो ये सारे जो हैं ये टॉम्ब हैं। लेकिन देखें, इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आएगा, जो हुमायूं टॉम्ब है, ताजमहल है, ये वगैरह, ये मॉशोलियम भी है। इसको हम आगे देखते हैं। मॉन्यूमेंट क्या है? मॉन्यूमेंट है जब को किसी के पर्टिकुलर पर्सन के या किसी इवेंट के मेमोरी में कोई अगर कोई बिल्डिंग बना, आर्किटेक्चर बनाया गया है, उसको मॉन्यूमेंट कहते हैं। जैसे चार मीनार, बुलंद दरवाज़ा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, या फिर इंडिया गेट दिल्ली में, ये अलग अलग रीजन के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपको इनको देखना है। जैसे बुलंद दरवाज़ा जब गुजरात में अकबर ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया तो उसने ये बनवा दिया। इंडिया गेट जब वर्ल्ड वॉर टू में इस तरह का यहाँ के जितने लोग शहीद हुए उनके मेमोरी में बनाया गया। मॉशोलियम क्या होता है? मॉशोलियम वो होता है जिसमें मॉन्यूमेंट प्लस टॉम्ब हो। एक तो वो बिल्डिंग, मतलब मॉन्यूमेंट जो होता है वो भव्य होता है। तो जब किसी भव्य बिल्डिंग में आपके किसी व्यक्ति का को बरियल किया जाता है तो उसको मॉशोलियम कहते हैं। जैसे ताजमहल है, वो एक मॉन्यूमेंट भी है और टॉम्ब भी है, तो देयर फोर इट इज़ ए मॉशोलियम, कि वो एक भव्य इमारत है जिसके अंदर में एक बरियल किया गया है शाहजहाँ के वाइफ का और शाहजहाँ का भी। तो इस तरह से ये बन जाता है मॉशोलियम, समाधि। और हुमायूं टॉम्ब भी आप देखेंगे तो वो कोई छोटा सा तो है नहीं, वो भी काफ़ी यूज़ है, वो भी एक मॉशोलियम का हिस्सा है। शेर शाह का मॉशोलियम जो सासाराम में है वो तो एक अद्भुत नमूना है अपने तरह के आर्किटेक्चर का, उसे आप देख सकते हैं। वो काफ़ी काफ़ी आर्किटेक्चरली आप कह सकते हैं वो रिच है, एग्जाम्पल है, एक परफेक्शन का एग्जाम्पल है वो अपने टाइम का। जो सेनोटाइफ है, सेनोटाइफ क्या है? ये है कि लाइक जो स्पेशली आर्मी के लिए बनाया गया था, कि आर्मी के लोग जो हैं, जो मार्टियर्स हैं, उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया जाता है। जैसे वॉर मेमोरियल है, ये जो आहार, बड़ा बाग, ये सारे हैं ना, ये राजस्थान में वो है, वॉर मेमोरियल्स हैं। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं कि आहार और बड़ा बाग राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा मिलते हैं हमें जो सेनोटैप्स हैं। ठीक है, तो सेनोटैप भी एक तरह से मॉन्यूमेंट है, लेकिन सेनोटैप स्पेशली बनाया गया है जो मार्टियर्स हैं उनकी याद में। ठीक है, तो इंडिया गेट आ जाएगा मॉन्यूमेंट में, इंडिया गेट के पास में ही एक वॉर मेमोरियल है तो वो आ जाएगा सेनोटैप में। ठीक है, सेनोटैप में कोई उनका बरियल नहीं है, कोई उनके रिमेंस नहीं है, बस उनकी मेमोरी में बनाया गया है, उनकी याद में बनाया गया है इस चीज़ को, इसलिए सेनोटैप है। ये पिछले स्लाइड में पाँच और इस स्लाइड में चार ऐसे नौ कॉन्सेप्ट, नौ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको कई बार कन्फ्यूज करते हैं। हिंदी में मकबरा, स्मारक, समाधि और सैनिकों के याद में निर्मित स्मारक, ये भी स्मारक है। साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलता है हमें एंशियंट टाइम से इस तरह के सेनोटैप्स के एग्जाम्पल, जो जिनको आप मेगालिथिक पीरियड कहते हैं। तो इन नोट्स के साथ हम चलते हैं आगे के टॉपिक पे। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे एक और जो जब इस सब्जेक्ट को मैं डिस्कस कर रहा था तो यहाँ पे आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक मैंने समझा कि डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में कम से कम 8 बार नए नए शहर बसाए गए और वो समय के साथ उजर गए या फिर पिछड़ गए, ऐसा कह सकते हैं। सल्तनत काल में ऐसा माना गया कि 3 चीज़ें जहाँ होंगी वहीं पर शहर या कैपिटल हो सकता है। वो क्या थे? दरिया, बादल और बादशाह। दरिया जहाँ की नदी होगी, जहाँ बादल जहाँ पे बारिश होती होगी, और जहाँ पे राजा रहेगा। ये एक
एक प्रैग्मेटिक, एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें से आप डिनाई नहीं कर सकते कि बिना नदी के, बिना वाटर के सर्वाइव करना मुश्किल है। जैसे आप देखें फतेहपुर सीकरी जस्ट वाटर स्कर्सिटी के वजह से फेल हो गए। ऐसे और से बहुत से एग्जाम्पल हैं। जो सबसे पुराना शहर माना जाता है जो दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ, वो है किला राय पिथौरा। इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दो हिस्टोरियंस के बीच में। हिस्टोरियन एक तो आईने अकबरी में अबुल फजल कहते हैं कि ये चौहान के कैपिटल था। चौहान जब आए, जब तोमर पे उन्होंने कब्जा के क्षेत्र पे उन्होंने कब्जा कर लिया, तो उन्होंने यहाँ पे सिटी बसाया। और तोमर जो थे वो लाल कोट से शासन करते थे, ठीक है। लेकिन कनिंघम ने कहा कि नहीं, ये जो आज का जो किला राय पिथौरा है, यहीं पर लाल कोट भी था और यहीं पर किला राय पिथौरा बाद में बना। क्योंकि उनको दो बाउंड्री के दो लेयर मिलते हैं फोर्टिफिकेशन के, जो किले बंदी की गई है उसके दो अलग अलग लेयर मिलते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग शहरें बसी होंगे। लेकिन जो अकबरी आईने अकबरी में अबुल फजल कहता है, वो कहता है कि नहीं, लाल कोट जो है वो कहीं आज के कुतुब मीनार के आसपास है और ये अलग है। 1192 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का गवर्नर बना, तो उसने किला राय पिथौरा पर कब्जा कर लिया था। ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली में और लाहौर से हालांकि वो कर रहा था, लेकिन दिल्ली में प्रभाव प्रभुत्व हो गया उनका। आज का जो दिल्ली का वसंत कुंज और किशनगढ़ और महरौली का एरिया है, साकेत का, यही सारा इस रीजन में किला राय पिथौरा के हमें रिमेंस मिलते हैं, ठीक है। हम चलते हैं जो ये फर्स्ट हुआ, सेकंड सिटी जो इस्टेब्लिश हुआ, ये कोई 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी की बात है। हम इससे आगे बढ़ते हैं। महरौली, महरौली को योगिनीपुरा भी कहा जाता है। योगिनीपुरा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे महायोग माया टेम्पल है। और माना जाता है कि सल्तनत जो पीरियड हुआ या मुस्लिम इन्वेजन हुआ, उसके पहले यहाँ पे 27 टेम्पल थे जो किला राय पिथौरा और जो तोमर वंश के लोग थे उनके टाइम में। उसमें से 26 ऐसे टेम्पल्स थे जिनको ध्वस्त कर दिया गया, और उसके बाद अलग अलग आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शंस हुए। उसमें एक टेम्पल रह गया जिसको कि योगमाया टेम्पल कहते हैं। और ये टेम्पल कृष्ण की, लॉर्ड कृष्ण की बहन को डेडिकेटेड है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए ये जो योगिनीपुरा इसका नाम इसलिए पड़ा है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि कितने टेम्पल वहाँ थे और कौन सा टेम्पल माना जाता है कि बचा हुआ है। लीजेंड में यही माना जाता है कि ये जो महरौली है, यहाँ पे वराहमिहिर जो जो एक एस्ट्रोनॉमर थे वो रहते थे। आपको इनकी जो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, आपको उस पर फर्दर रिसर्च करना है, फर्दर समझना है। ये माना जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट इनहेबिटेड एरिया है, चूँकि किला राय पिथौरा का जो एरिया है वहाँ पे कोई नहीं रहता, वो खाली जगह है। तो सबसे जो पुराना, हालांकि पुरानी दिल्ली तो आप किसी और को कहते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन सबसे पुरानी दिल्ली यही है महरौली का एरिया। यहीं पे बाबा बंदा सिंह बहादुर को फर्रुखसियर के टाइम में 700 लोगों के साथ ला के मार्टियर कर दिया गया था, जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार भी है, दरगाह है सॉरी। और वहीं पे एक फूलों वालों की सैर करके एक यहाँ पे कॉम्पिटिशन कहिए या एक फेयर कहिए, कार्निवल कहिए, उसका आयोजन होता है, हर साल होता है। तो ये जो महरौली है, ये सबसे पुराना इनहेबिटेड सिटी है आज के डेट में। आज के डेट में जो पुरानी दिल्ली कहते हैं वो बहुत ही नई है, ठीक है। हम चलते हैं आगे इसके साथ थर्ड सिटी की। थर्ड सिटी जो है वो सिरीफोर्ट है। इसको इस्टेब्लिश किसने किया? इसको इस्टेब्लिश किया अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों इस्टेब्लिश किया? क्योंकि मंगोल्स के जो इन्वेजन्स थे, आप देखते हैं सबसे ज़्यादा इसी के पीरियड में होते हैं, और इसने एक दो बार उनको सेटबैक भी किया था, तो उसकी वजह से सिरीफोर्ट को बनाया गया। और एक बार तो ऐसा हुआ कि 1303 में सिरीफोर्ट तक मंगोल जनरल तक तरगी वो पहुंच गया, लेकिन वो सिरीफोर्ट की जो बाउंड्री था उसको तोड़ नहीं पाया। उसका जो बाउंड्री था, जो फोर्ट फोर्टिफिकेशन था, वो कुछ इस तरह का था। ये आप देखिए, यहाँ पे दो लेयर थे और बीच में हॉलो था, ये बीच का हिस्सा खाली है। एक दीवार मान लीजिए हमने तोड़ दिया, तो फिर आपको हॉलो मिला, अब यहाँ से एक और दीवार तोड़ना है आपको। तो इस वजह से वो घुस नहीं पाया, उसने पहले दीवार तोड़ी और फिर रह गया, तो यहाँ पे घुसना मुश्किल हुआ उसके लिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि किसके टाइम में दिल्ली तक मंगोल जनरल पहुंच गया था, तो वो सिरीफोर्ट तक पहुंच गया था खिलजी के टाइम में, तरगी 1303। माना जाता है कि पहला इस्लामिक सिटी है, क्योंकि किला राय पिथौरा और दूसरा जो आपने देखा महरौली, ये दोनों तोमार वंश और चौहान वंश के समय से ही एक्टिव थे। वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाए थे या वहाँ पे उनके लोग रहते थे। तो ये इशू है। जो ये आर्किटेक्चर बनाया गया है, ये सेल्जुक लोगों के द्वारा बनाया गया है। आप ज़रा देखें इसको कि सेल्जुक कौन होते थे। और इसके आसपास ही एक 1000 सुतुन पैलेस बनाया गया। 1000 सुतुन पैलेस है, सुतुन में पिलर्स, तो उसमें उस इतना बड़ा पैलेस बनाया गया जिसमें 1000 पिलर्स थे। तो आप समझ सकते हैं उसकी भव्यता को कि कितना बड़ा था। और उसके बाद में उसका नाम बदल के विजय मंडल कर दिया गया, ऐसा हिस्टोरियन कहते हैं। हौज खास बनाया गया, जो सिरी फोर्ट है उसके पास में ही हौज खास बना कि वहाँ से वाटर सप्लाई किया जाए। आज का जो सिरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स का एरिया है, जहाँ पे कि जो स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है दिल्ली में, जहाँ पे स्पोर्ट्स के जो बिल्डिंग्स हैं, इंडोर गेम के लिए काफ़ी सारे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुए हैं, साइट है, तो वो जो एरिया है वो सिरी फोर्ट का एरिया है। ड्यूरिंग द एशियाड गेम इन 1982 इट वॉज डेवलप्ड इन द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इंडोर गेम के लिए सारे अरेंजमेंट है।
तो हम इसके साथ आपको याद रखना है कि सीरी फोर्ट जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का है, और यहाँ पे तर्की पहुँच गया था 1303 में, जो कि मंगोल जनरल था, सेल्जूक क्राफ्ट्समैन ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखना है। ये फर्स्ट इस्लामिक सिटी है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद के बारे में कहा जाता है, आपको पता है खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के लोग आए, तो तुगलक वंश में गियासुद्दीन तुगलक जो था वो खिलजियों के दरबार में काम करता था। तो उसने अपने टाइम में मुबारक खिलजी से कहा कि आप ऐसा करिए, जो तुगलकबाद आज का तुगलकबाद है, यहाँ का जो रीजन है, यहाँ पे एक फोर्ट फोर्ट बनाइए आप, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। तो मुबारक खिलजी ने उसको मजाक मजाक में कह दिया कि ठीक है, तुम्हारा जब टाइम आएगा तो तुम बना लेना। और देखिए कि बहुत जल्द वो शासन में आ गया, मतलब सत्ता उसने संभाली और उसने इसका निर्माण भी कर दिया। हालांकि बहुत ही प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव इसलिए पैलेस का इसमें गुंजाइश लगता नहीं है, क्योंकि इसमें जिस तरह के मटेरियल्स का यूज़ हुआ है वो बड़े ही चीप मटेरियल्स, और जो डिज़ाइन है वो बहुत साधारण है, कोई रेगुलर डिज़ाइन है नहीं इसका। एक इसकी जो प्लस पॉइंट है, इसका जो जो बाउंड्री है वो टिल्टेड है, नीचे से ऊपर की तरफ झुका हुआ है, तो नीचे से आप ऊपर चढ़ना चाहें तो बहुत मुश्किल है। और जो बीच का जो एरिया है वो रबल फील्ड है। रबल फील्ड का जो मलबा था वो, जैसे दो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एरिया आप देखिए ये रबल है। पहले बाहर से दीवार लगाया, अंदर से दीवार लगाया, और ये लेट सपोज ये नीचे ग्राउंड है, तो यहाँ पे रबल भर दिया, जो कोई मलबा बचा हुआ है कहीं और से उठा के लाया, उसको भर के इसको पैक कर दिया ऊपर से। इस तरह से बाउंड्री बना हुआ है, अपने तरह का नया बाउंड्री का स्टाइल है। आपने देखा कि खिलजी ने क्या किया था, उसने हॉलो बाउंड्री बनाया था, और ये रबल बाउंड्री है, इसमें मलबा है। माना जाता है कि इसी बिल्डिंग, इसी कंस्ट्रक्शन के टाइम में निजामुद्दीन औलिया ने अपना एक पॉन्ड बनाना चाहा, वहाँ पर उसको लेबर भी नहीं मिल रहे थे दिल्ली में, ये हाल था। और वो पता नहीं गुस्से में या कैसे उसने कहा कि ये जो तुगलकाबाद बन रहा है, या तो यहाँ पे या बस है गुज्जर या रहे गुजार, या तो गुज्जर लोग जो कि एक नोमैडिक उस टाइम के ट्राइब थे वो रहेंगे, या फिर ये उजाड़ रहेगा। तो आज यहाँ पे गुज्जर जो लोग हैं, उनका जो कम्युनिटी है, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है इस रीजन पे। तो ये जो एक कोटेशन इस तरह के नेट अक्सर पूछ देता है, तो ये एक ध्यान में रखने वाली बात है कि एक औलिया इस टाइम में हुए, और औलिया की कैसे दिन तुगलक से बनती नहीं थी, और तो ये या बस गुजार या गुज्जर, या बस गुज्जर या रहे गुजार, इस तरह की बात जान इसके बारे में है। एक और जो बात है, आज का जो एमबी रोड है, कहते हैं मेहरौली बदरपुर रोड, वो जो है कुतुब बदरपुर रोड था, और उसको भी इस फोर्ट से को ग्रैंड ट्रंक रोड से जोड़ने के लिए निर्माण किया गया था उसका। ये बात भी यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ज्योग्राफी तो आपको समझना पड़ेगा, ज्योग्राफी को थोड़ा समझेंगे इंट्रिकेटली तो आपको वो फ़ायदा करेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में खासकर। आज हम एक्चुअली 8 सिटी हैं, तो हमने सोचा कि इस लेक्चर में हम 5 डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट में हम बाकी 3 डिस्कस करेंगे जो जो आगे आएगा। तो जो नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है जहाँपनाह नगर। ये देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद फोर्ट बनाया, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए, मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँपनाह नगर को इस्टेब्लिश किया। अब ये जहाँपनाह नगर क्या था, जहाँपनाह का जो लिटरल मीनिंग है वो रिफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के लोगों का, जहाँ के कहीं के लोग, उनका पनाह मिल सकता है यहाँ पे, वो यहाँ पे आके ठहर सकते हैं। इस तरह का उसने एक टर्म यूज़ किया अपने सिटी के लिए, फोर्ट्रेस था बेसिकली। और इसके पीछे भी उसने ये आर्गूमेंट दिया कि हमें मंगोल से थ्रेट है काफ़ी, तो हम इसका निर्माण कर रहे हैं। इसने क्या किया कि जो दो रीजन थे, किला राय पिथौरा और सीरी फोर्ट के बीच में, उसको ज्वाइन कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, पहले हम इसको थोड़ा देख लें कि क्या है इसमें। देखिए, अदिलाबाद फोर्ट का निर्माण किया था उसने पहले, बाद वो छोटा सा फोर्ट है जो तुगलकाबाद फोर्ट के पास में है, उसको इसने कब्जे में कर लिया। मतलब कब्जे में करने का मतलब कि जब उसने नया सिटी बसाया तो अदिलाबाद फोर्ट को भी इसके साथ ही ले लिया, और जो हजार सोतन था सीरी फोर्ट का, वो एक सीरी फोर्ट के बाहर का एरिया था, उसको जब इसने बनाया तो उसने सीरी फोर्ट और उस एरिया, सारे एरिया को कब्जे में ले लिया, और पूरा एक अलग ही सिटी बसाया, जिसमें 3 रीजन हो गए। जो लालकोट का रीजन था वो एक अर्बन एरिया था, जो आप कहते हैं कि मेहरौली का जो रीजन है, वहाँ पे लोग रहते थे, वहाँ पे मार्केट था, वहाँ पे तरह के ट्रांजेक्शन होते थे, एक्सचेंजेस होते थे। जो सीरी फोर्ट था वो गैरिसन था, आपको गैरिसन पता है, हमने डिस्कस किया, वो छावनी था, वहाँ पे आर्मी के लोग रहते थे, उनकी ट्रेनिंग, उनके उनके वेपन्स, उनके इंस्ट्रूमेंट्स रहते थे, उनकी उनका प्रोडक्शन या उनका रिपेयर, उनका इस तरह का सारा जो प्रैक्टिस थे वही होता था। और जो जहाँपनाह नगर था वो बेसिकली फोर्ट्रेस था, वो गढ़ था, जहाँ पे पैलेस था, जहाँ पे ऑफिसियल्स रहते थे, जहाँ पे रेसिडेंस था, जहाँ पे मॉस्क था। ये जो एक कालूसराय मॉस्क है यहाँ पे, ये बहुत, एक बेगमपुर मॉस्क है, कालूसराय मॉस्क है। कालूसराय मॉस्क बहुत पॉपुलर है इसलिए क्योंकि इसको खाने जहाँ मकबूल तेलंगाना ने बनवाया था, और ये एक उस समय के आर्किटेक्चर का एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, कि जो डिज़ाइन वगैरह है वो काफ़ी। तो ये क्वेश्चन कई बार सीधे क्वेश्चन आते हैं नेट के जैसे एग्जाम्स में, कि जो सबसे बेस्ट इस समय का आर्किटेक्चर है वो क्या है, तो वो आप कालूसराय मॉस्क जो है खाने जहाँ तेलंगाना ने बनवाया था, जो कि आगे चल के फिरोज शाह तुगलक का प्राइम मिनिस्टर बना।
वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। इसके साथ मैं इसको थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूँ कि मैप में किस तरह से है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैप में आप देखेंगे ये कुतुब मीनार का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको कुतुब मीनार का एरिया है और यहीं पे ये किला लाल कोट है। दूसरी तरफ ये जो एरिया है साकेत मेट्रो का, यहाँ ये वाला, ये किला राय पिथौरा है, ठीक है, ये वाला किला। तो आप देखिए ये पास में ही है दोनों, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये दो एरिया था। ये किला राय पिथौरा सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ, मेहरौली और ये सारा एरिया यहाँ पे सेकेंड सिटी के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। थर्ड सिटी जो इस्टेब्लिश हुआ वो थोड़ा यहाँ से अलग था, वो कहीं यहाँ बार काउंसिल का जो एरिया, ये देखिए श्री फोर्ड ऑडिटोरियम है, इस एरिया में था। ये पूरा रीजन है जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश किया और इसी के सामने यहाँ पे उसने हौज खास बनाया जहाँ से वाटर सप्लाई जाता था श्री फोर्ट ऑडिटोरियम को, ठीक है। अब जब आपका, और इधर आपका आ जाएगा तुगलकाबाद फोर्ट, यहाँ कहीं इधर इधर को आएगा तुगलकाबाद फोर्ट, जब हम खानपुर एक्सटेंशन यहाँ बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे तुगलकाबाद फोर्ट आप देख रहे हैं। तो ये भी दूर था, उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि ये जो आपका कुतुब मीनार का एरिया है और जो आपका दूसरा एरिया था यहाँ पे सॉरी श्री फोर्ट का, उसको उसने ज्वाइन कर दिया। कैसे ज्वाइन कर दिया? तो उसने जो सेंटर का लोकेशन है, एक सिटी उसने यहाँ पे बसा दिया। एक पहले से सिटी ये था, एक रीजन ये था और एक रीजन ये अगस्त क्रांति मार्ग वाला श्री फोर्ट वाला था, ठीक है। तो अब ये पूरा रीजन जो था उसने फोर्ट्रेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ये एक यहाँ पे अर्लीस्ट था, यहाँ पे खिलजी ने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये तो तोमर टाइम से था यहाँ पे किला राय पिथौरा या फिर चाहमान टाइम से। तो यहाँ पे उसने सिटी बसाई जहाँ पे कि बेगम जो आज का पंचशील मार्केट और मार्गवाला और दूसरा आपका जो बेगमपुर का कालूसराय का एरिया है, अरसीनी का एरिया है, वहाँ पे उसने जो बसाए वो एरिया था। उसने सातपुला बनाया यहाँ पे, सातपुला वजह स्लुइस गेट जहाँ से कि शहर में पानी पास करने का रास्ता था। एक बारापुला भी है जो कि यमुना नदी के पे उसने बनवाया था। तो इस तरह के है, यहाँ पे आप देखेंगे पुराना किला है, ये तो दूसरी साइड में पड़ेगा, इसी जगह आप डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरे साइड्स जो है वो इसी रेंज में ज़्यादातर मिलते हैं, जो सफदरजंग टॉम देख लीजिए आपको, वहीं टॉम है यहाँ पे, ये हजरत निजामुद्दीन का दरगाह है। तो इस तरह के और भी कई साइट्स हैं। तो इसके साथ हम आते हैं अपने विषय पे कि जो लाल कोट था वो अर्बन था, श्री फोर्ट गैरिसन था और जहाँ पनाह जो नगर था वो फोर्ट्रेस था। कालूसराय मॉस्क जो है खान जहाँ तेलंगानी ने, जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिरोज शाह तुगलक हुआ, ने बनवाया था। आज का जो बेगमपुर पंचशील पार्क या अरसीनी का एरिया है वहाँ पे जहाँ पनाह नगर स्टैब्लिश किया गया था। नाइकापुर, सातपुला, बारापुला, विजय मंडल, ये एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि वो पूछ देते हैं मैच इन द फॉलोइंग कि नाइकापुर किसने बनाया और श्री फोर्ट किसने बनाया और सातपुला किसने बनाया, हजार सुतुन का बाद में नाम क्या हो गया। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि किसने कौन से एरिया में डेवलप किया तो आप आसानी से इसको हिट कर देंगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर